नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है हिस्ट्री विद विष्णु। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जो 18 दिसंबर 2018 का एनटीए नेट का जो पहला दिन था, पहला दिन में जो हिस्ट्री का एग्जाम हुआ था उसमें कैसे कौन से क्वेश्चंस आए थे, उनके राइट आंसर्स क्या क्या होने चाहिए, इसको लेके हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों, अभी भी एनटीए नेट का जो एग्ज़ाम है वो चलने वाला है इस वीक का, ये पूरा वीक चलने वाला है एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में जो जनरल पेपर है, जनरल पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे पहले दिन में, तो उनको लेकर भी हम लोग जानेंगे, एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन के साथ हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, अभी देख लेते हैं कि हिस्ट्री में कौन से क्वेश्चंस आए थे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस सेट किया था इस बार, जो क्वेश्चंस आए थे तो उसमें पहला एक क्वेश्चन आया था कि कैमल बोन, इसके अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं, किस हरप्पन साइट से हमें कैमल बोन के जो अवशेष है उसको वो मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो कालीबंगान होगा, कालीबंगान जहाँ से हमें पहली बार ऊँट के हड्डियों के अवशेष मिलते हैं। उसके बाद और एक क्वेश्चन था दोस्तों कि अशोक के कंटेम्प्रेरी एक रूलर थे तुरामाया, अशोक के कंटेम्प्रेरी एक रूलर थे तुरामाया, वो कौन से देश के राजा थे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इजिप्ट। तो जिन लोगों ने इजिप्ट पे अपना आंसर दिया है तो एकदम सही है कि तुरामाया जो अशोक के कंटेम्प्रेरी थे वो इजिप्ट के राजा थे। उसके बाद और एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि कुशान देव कोला और जो रॉयल फैमिली के मेंबर है उनके स्टैचू कहाँ पे मिलते हैं, कौन से जगह में कुशान देव कोला रॉयल फैमिली उनके स्टैचू मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मठ होगा, मठ मठ होगा उसका राइट आंसर, जहाँ से हमें कुशान देव कोला के जो स्टैचू है वो मिलते हैं। उसके बाद और एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि यज्ञवल्क और जो मैत्रेयी थे, हस्बैंड एंड वाइफ थे ये दोनों, तो इनके जो कन्वर्सेशन है, इनके जो डिबेट है वो कौन से उपनिषद में मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में हमें यज्ञवल्क और मैत्रेयी इनके जो डिबेट है वो मिलते हैं दोस्तों। तो बृहदारण्यक उपनिषद जिन्होंने आंसर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन उनका, उनका आंसर ये राइट होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट और एक जो क्वेश्चन आया था दोस्तों कि फिश, एक फिश था जो जिसने मनु को बचाया था, मतलब जो नोहस आर्क जो सुना था कि एक बहुत विशाल फ्लड से जिन्होंने धरती को बचाया था, तो मनु को एक चमत्कारी फिश ने बचाया था, ये जो स्टोरी है ये हमें कहाँ से मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण इसमें इस स्टोरी का जिक्र है, शतपथ ब्राह्मण में ये स्टोरी का जिक्र है जिसमें एक चमत्कारी फिश ने मनु को बचाया था। उसके बाद दोस्तों और एक क्वेश्चन आया था कि पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इनको क्रोनोलॉजिकली इनके एस्टेब्लिशमेंट के साल के अनुसार क्रोनोलॉजिकली इनको सजाना था। तो इसका राइट आंसर जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है यही राइट आंसर होने वाला है, पहले पूना सार्वजनिक सभा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन आया, उसके बाद मद्रास महाजन सभा 84 में, 1884 में पूना सार्वजनिक सभा 1867 में, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन लगभग 75-76 में, और उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये 85 में। तो इसी ऑर्डर में जिन लोगों ने सजाया है तो उनका आंसर ये राइट होगा, पहले पूना सार्वजनिक सभा, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद मद्रास महाजन सभा और उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। उसको दोस्तों और जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो एक किंगडम दिया हुआ था और जो स्टेट रूलर था उस किंगडम का, तो उसका नाम दिया हुआ था, ये मेनली जो समुद्रगुप्त थे, गुप्त किंग, द ग्रेट गुप्त किंग समुद्रगुप्त, तो उनका जो इन्वेशन था, एक्सपेडिशन था, उनके ऊपर बेस करके दिया गया है, उन्होंने किन किन राजाओं को हराया था इसके ऊपर बेस करके एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि इसको मैच करना है, अरेंज करना है ठीक ठाक से, और उसको बताना है कि कौन सा मैच यहाँ पे दिया हुआ था, बताना था कि कौन सा मिसमैच है, कौन सा गलत था। तो इसमें ये ऑप्शन में ये था कि पलक्का के किंग का मंत्राज ये उल्लेख था, लेकिन पलक्का जो किंग है इसका किंग था उग्रसेन, उग्रसेन था पलक्का का किंग। तो ये होगा गलत, मतलब ये आंसर होगा राइट, जो जिसमें पलक्का और मंत्राज था ये राइट आंसर होगा कि ये मिसमैच है। उसके बाद और एक जो क्वेश्चन आया था कि गुरु हरगोविंद अगेंस्ट मुगल, गुरु हरगोविंद के साथ मुगलों का जो क्लैश था, तो उसमें जो सिख आर्मी था उसका, उसको किन्होंने नेतृत्व दिया था,
कौन से अफगान लीडर थे जिन्होंने सिख आर्मी का नेतृत्व दिया था, जो मतलब स्ट्रगल चल रहा था गुरु हरगोविंद और मुगलों के बीच। तो इसमें राइट आंसर आएगा दोस्तों पैंदा खान। पैंदा खान होगा राइट आंसर। पैंदा खान वो अफगान सोल्जर थे जिन्होंने सिख आर्मी का नेतृत्व दिया था अगेंस्ट दी मुगल्स, जब गुरु हरगोविंद का टाइम था। उसको दोस्तों और एक क्वेश्चन आया था कि इसको मतलब अरेंज करना था, राइटर्स के नाम दिए हुए थे और बुक्स के नाम दिए हुए थे। तो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ मतलब पता नहीं चला, इतना ही पता चला कि जूडिथ ब्राउन का नाम था और जूडिथ ब्राउन का जो किताब है वो था गांधी प्रिजनर ऑफ होप। तो इसको जिन्होंने मैच किया था तो इनका राइट आंसर होने वाला है कि गांधी जूडिथ एम ब्राउन, तो उनका जो किताब था गांधी प्रिजनर ऑफ होप। इसको अरेंज करना था, चार ऑथर थे और चार किताबों के नाम थे। तो अगर एक आपने मैच कर दिया ठीक ठाक से, मतलब सभी ठीक होने वाले हैं। तो उसके बाद और एक क्वेश्चन था दोस्तों कि इसमें भी बताना था कि मिसमैच कौन सा मिसमैच है ऑथर थे मीराबल सुल्तानात से और जो ये उनके किताब थे। तो इसमें जो मिसमैच था वो था हसन निजामी तारीखी शाही। तारीखी शाही ये किताब दिया हुआ था और जिनके राइटर दिए हुए थे हसन निजामी। तो ये मिसमैच है दोस्तों, तो ये राइट आंसर होने वाला है, ये जो क्वेश्चन था। और उसके बाद और एक क्वेश्चन था दोस्तों, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में कौन शरीक नहीं थे, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में किसका नाम मतलब नहीं था। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, अशफाक उल्ला था, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, ये तीनों ही इसमें शामिल थे काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में। इन तीनों को ही टारगेटेड किया गया था। और जो मतलब और जो एक ऑप्शन था जो कि किसने मतलब जिससे मैंने पूछा था तो उनके दिमाग में आया नहीं है, तो ये तीनों ही शामिल थे, ये तीनों ही ऑप्शन में थे। इन तीनों के अच्छा अलावा जो चौथा ऑप्शन था वही राइट आंसर था दोस्तों। अशफाक उल्ला, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद तीनों ही काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में कन्विक्टेड थे, और जो चौथा ऑप्शन था वही राइट आंसर था दोस्तों। और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो आया है, आया था कि एक मुगल एम्परर के बारे में कहा गया था कि उन्होंने अपने बेटे के बारे में एक मतलब कोटेशन था कि मेरे साथ अजीज का रिलेशन जो है थोड़ा सा खराब है। वो मुगल एम्परर अपने बेटे अजीज के साथ अपने रिलेशन के बारे में कह रहे थे। तो आइडेंटिफाई करना था कौन सा मुगल सम्राट था, कौन सा मुगल एम्परर था जिन्होंने ये मतलब लाइन दोहराई या अपने बेटे अजीज के साथ अपना रिलेशन का जिक्र किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा हुमायूं। वो जो बात थी कि माई रिलेशन विथ अजीज लाइक समथिंग, तो उसका जो वो जो मुगल एम्परर थे वो हुमायूं होगा। हुमायूं होगा उसका राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों और एक क्वेश्चन आया था कि पैलंक्विन बेरर के सन थे जो जो अकबर के कोर्ट में थे। एक पैलंक्विन बेरर के सन जो अकबर के कोर्ट में थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा दसावंध। दसावंध होगा इसका राइट आंसर। इसमें जो दसावंध थे इनके पिता पैलंक्विन बेरर थे। तो दोस्तों ये थे अनलकी 13 जो क्वेश्चन। पहले दिन 18 दिसंबर 2018 का पहले दिन में पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। आगे वीडियो में हम लोग और भी बाकी जो क्वेश्चंस हमें मिलेंगे उनके आंसर क्या थे और क्या क्वेश्चन आए थे, तो वो लोग वो सब हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा या आज ही मिल सकता है कि पेपर वन का जो क्वेश्चन है वो मतलब किस तरह के क्वेश्चन आए थे और क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो चलिए दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल के साथ, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नए अपडेट पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू।